यस स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी, हाइगेंस प्रिंसिपल ने रिफ्लेक्शन का आई इक्वल्स टू आर प्रूव किया. कैसे प्रूव किया वो देखते हैं. मान लीजिए ये नॉर्मल ड्रॉप हो गई. यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा इस फिगर में, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा. ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, होगा कि नहीं होगा. जब ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल क्या होगा? नाइन्टी माइनस आर होगा कि नहीं होगा? सोचिए. ठीक है, जब ये एंगल 90 माइनस आर हो जाएगा, और देखिए ये एंगल 90 डिग्री है परपेंडिकुलर, तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि देखिए ट्राइंगल में इस वाले एंगल का, इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का समेशन क्या होगा? 180 डिग्री होगा. 90 प्लस आर प्लस 90, क्योंकि ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, और ये भी परपेंडिकुलर, दोनों ही परपेंडिकुलर. ठीक है, और ये एंगल जो है ये हमें नहीं पता. जैसे हमने ग्रीन मार्क कर रखा है, ये एंगल अभी फिलहाल हमें नहीं पता. हम इसको चलो एक्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए. तो ये एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री. जरा सॉल्व करें तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर. तो इसीलिए यहां पर आर मार्क हो गया. हो गया? जिस तरीके से ये यहां पर आर मार्क हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मैं अब ये रब करने वाला हूं. ठीक है, मार्क कर लिया. कैसे हमने यहां पर आर मार्क किया ये समझ में आ गया सबको. अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं रब कर रहा हूं. यहां पर देखिए ये 90 डिग्री है हमारे पास. और नॉर्मल ड्रॉ करिए, हो जाएगा. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा जरा सोचिए. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा कि नहीं होगा? और ये एंगल क्या हो जाएगा? वॉयलेट कलर का. 90 माइनस आई हो जाएगा. तो जरा सोचिए, यहीं पर वॉयलेट कलर का ये एंगल हम कलर कर दें और इसका नाम एक्स रख दें थोड़ी देर के लिए. फिर वैसे ही करें, एक्स प्लस 90 मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल. तो x प्लस 90 प्लस 90 माइनस i इक्वल्स टू 180. देन i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा. तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ गई? i. कैसे आई? समझ में आया? ये एक्सप्लेनेशन ही बच्चों को समझ में नहीं आता. अब ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा. मैथ सबने पढ़ी हुई है, सब लिख सकते हैं. ये ट्रिक वाले वीडियो है. क्यों? क्योंकि जो चीजें आपको कहीं नहीं समझ में आई वो हम समझा रहे हैं आपको. कैसे इक्वल हुआ? ऐसे इक्वल हुआ. समझ में आ गया? रब करता हूं. अब हमने देख लिया कि ये आई है भाई और ये आर है. ठीक है, अब जरा देखिए कि लाइट ट्रैवल तो सेम मीडियम में ही कर रही है. तो लाइट यहां पर टकराई, तब ये वाली लाइट यहां पर थी. जरा सोचिएगा, जब ये वाली लाइट यहां टकराई तो ये वाली लाइट यहां पर थी, और जब ये वाली लाइट यहां पर थी तब ये वाली लाइट यहां टकराई. तो मीडियम सेम है, इसका मतलब वेलोसिटी भी सेम होगा. होगा तो जरा देखिए कि जो डिस्टेंस बी ए डैश डिस्टेंस है, मतलब ये वाला डिस्टेंस,
ये वाला डिस्टेंस, बी ए डैश डिस्टेंस, और जो ये डिस्टेंस है ये दोनों डिस्टेंस कैसे होंगे? इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड तो सेम ही है ना, सेम ही टाइम पीरियड में हम चीजें चेक कर रहे हैं और वेलोसिटी भी सेम है लाइट की, सेम वेलोसिटी पे देख रहे हैं। तो हमने देखा ए डैश बी और ए बी डैश कैसे हैं? इक्वल। क्यों? सी इंटू टी और सी इंटू टी, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, टी टाइम पीरियड। अब जब ये दोनों इक्वल है तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, इसका मतलब एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। हो गया रिफ्लेक्शन का डेरिवेशन पूरा, समझ में आया कॉन्सेप्ट किस तरीके से? अब रिफ्रैक्शन वाला देखते हैं। देखिए पहले रिफ्रैक्शन वाला समझते हैं कैसे होगा, समझिए जरा। ये एक पॉइंट ले लिया हमने जहां पर ये लाइट दूसरे मीडियम में एंटर कर रही, और ये एक पॉइंट ले लिया जहां पर ये लाइट दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, लेकिन ये लाइट दूसरे मीडियम में इतना चल चुकी हो तो टाइम डिफरेंस दोनों का सेम है। देखिए यहां पर क्या लिया हमने, C1 into T, और यहां पर क्या लिया C2 into T, मतलब दोनों का टाइम डिफरेंस कैसा है? सेम है, लेकिन दोनों में वेलोसिटी दूसरी है, इसलिए ये पैरेलल ना होकर थोड़ी सी खिसक गई। दोनों की वेलोसिटी कैसी है? डिफरेंट है, इसलिए वो पैरेलल ना होकर क्या हो गई? खिसक गई। अब चलिए डायग्राम में इसको रब करता हूं मैं, आगे बढ़ते हैं। तो जरा कॉन्सेप्ट देखिए कि ये क्या है, ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा तो ये वाला एंगल क्या होगा हमारे पास, 90 माइनस आर, और ये 90 डिग्री है ही है, देखिए यहां 90 डिग्री है कि नहीं, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये जो रेड कलर का कलर कर दिया मैंने, ये एंगल आर हो जाएगा कि नहीं? क्यों? एक ट्रायंगल का समेशन क्या होता है? 180 डिग्री, तो ये एंगल आर हो जाएगा। देखिए इतना समझ में आया आपको, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पहले देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद भी फिर मैं रब करूंगा। रब इसलिए बार बार कर रहा हूं ताकि एक बार में एक कॉन्सेप्ट आपको डायग्राम के ऊपर समझ में आ सके, ठीक है? तो यहां तक समझ में आ गई बात? ये क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस? तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 90 माइनस आई हो जाएगा, और ये 90 हो जाएगा। तो ये जिस चीज को हम कलर करेंगे यहां पर, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये अपने आप में आई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सोचिए, हो जाएगा ना आई? कॉन्सेप्ट समझ में आया, बात समझ में आई? अरे जहां पर इंसिडेंट एंगल बने उसके नीचे वाला एंगल माइनस कर दो फट से, सामने 90 मिलेगा तो इधर आई बन जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे डेरिवेशन देखिए, तो हमें क्या मिला, हमें यहां मिल गया आर और हमें यहां मिल गया आई, यही तो मिला, ठीक है? अब क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सोचिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या पढ़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने ये पढ़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर वैसे देखें तो क्या कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द दिस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर C2 into T जो कि डिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगा, C1 into T हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सी वन इंटू टी, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सी टू इंटू टी। और सी वन इंटू टी के सामने क्या चीज है हमारे पास, जरा ध्यान से देखिए, साइन एंगल ऑफ आई। या हम इसको दूसरी तरीके से भी समझा सकते हैं, जैसे जरा समझिए कैसे, कि साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर ले लेते। तो साइन आई क्या होगा, साइन आई जरा यहां से देखिए, साइन आई की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, और हाइपो इसे ए मान लेते हैं और ये यहां वाई मान लेते हैं, वाई लिखा वाई मान लेते हैं। तो साइन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, जरा सोचिए, एक्स वाई अपॉन ए वाई हो जाएगा। साइन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ए जेड अपॉन ए वाई हो जाएगा। ए वाई कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन ए जेड, एक्स वाई ये आ गया, ए जेड ये आ गया। एक्स वाई की वैल्यू क्या हो गई, सी वन इंटू टी, ए जेड क्या हो जाएगा, सी टू इंटू टी, टी से टी कैंसिल हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सी वन अपॉन सी टू। When light is traveling from 1 to 2, then refractive index is the ratio of the velocity. अगर ये refractive index ही तो होता है, है ना? हो गया proof? समझ में आया concept? तो this is the basic thing. एक बार आप diagram को explain करना सीख जाएंगे ना, देखिए derivation करिए या ना करिए, diagram को explain करके समझा दीजिए ना, teacher को समझ में आ जाएगा, definitely समझ में आ जाएगा। और आप derivation में चाहे जितना अच्छा लिखो, लेकिन diagram को explain नहीं कर पाए कि भाई ये I कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, तो फिर बात नहीं बनने वाली है ना। ठीक है, सो थैंक यू।